पंडित जी ये मंदिर है किस चीज का है? ये देखिए ये रास्ता है, इसके पीछे वाला। और देखिए हमें क्या मिला है, देखिए पूरा उसका फूल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो है भद्राज टेंपल का। तो आज हम जा रहे हैं भद्राज टेंपल, और अभी आज है संडे और सुबह का अभी 10:30 बज रहे हैं, और हमने अपना हेलमेट सब रेडी कर लिया है। बस अब हम निकल रहे हैं, बस आगे आपको मिलते हैं। जस्ट 5-10 मिनट बाद हम लोग आपको आगे मिलेंगे। सो प्लीज़ आप ये व्लॉग इन्जॉय करिए। Let's begin our journey.
अभी हम देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ। ये हमारा हॉल्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम जब भी यहाँ से रास्ते से जाते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा रुकते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है देखिए। और यहाँ पे आगे लंगूर भी हैं, देखिए दो लंगूर बैठे हैं एज़ यूजुअल। देखिए धूप तो आनी भी, आज इतना अच्छा मौसम नहीं है। और लेकिन ठंड भी अभी आजकल तो कम ही हुई ठंड, लेकिन ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और चलो होप आगे मिलते हैं आपसे। जो तब तक के लिए बाय। हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट। यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ से आएगा जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता। यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे मसूरी, यहाँ से 4 किलोमीटर कैम्पटी फॉल 17 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। और अपन हमें जाना है भद्रास टेम्पल। हम जा रहे हैं भद्रास टेम्पल की तरफ। वहाँ से नीचे वो आता है जॉर्ज एवरेस्ट, नहीं है क्या? रोड तो भाई बहुत खतरनाक है। अभी पहाड़ देखना तो कितने खतरनाक पहाड़ आएंगे इधर। दिख रहा है रोड बड़ी टूटी फूटी रोड है भाई इधर। टूटी फूटी रोड और चट्टाने। यहाँ पे थोड़ी रोड जो है थोड़ी सही है। और ये जो एरिया है ना यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे ना पूरा खाली हुआ करता था, यहाँ पे लोग बैठते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये सब बंद कर दिया। इन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दी। यहाँ बैठते थे पहले लोग, पता है इस एरिया में। और नीचे तो कितनी खतरनाक खाई है सब, देखा है। हमको लेट हुई क्या भद्रास टेम्पल आने में? अबे लोग आ भी होंगे। मुझे तो एक्टिवा का यही डाउट रहता है, एक्टिवा चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी भाई। ये नई एक्टिवा है भाई, इसको चढ़ जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक पुरानी एक्टिवा थी ना, वो चढ़ नहीं पाती थी भाई पहले ना, बहुत पहले 5-6 साल पहले वो नहीं चढ़ पाती थी। यहाँ पे इनकी शॉप्स भी है यार, बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ से तू इधर गया, यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो सनसेट पॉइंट आएगा। यहाँ से ना नीचे, यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो सनसेट पॉइंट आएगा जॉर्ज एवरेस्ट। बंद है? अच्छा बंद है? क्यों? क्या पता बंद हो, देखते हैं आगे जाके। एक्टिवा के जगह चढ़नी थी ना। भाई एक्टिवा में यही तो दिक्कत है ना।
हमसे बोल रहे थे बंदे? नहीं यार, अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं आ रही, अब तो मैं स्कूटी पे नहीं आ सकता भाई। होता है क्या संडे को बंद होता है? अगर आगे लैपर दिख जाए तो हा? दो में कुछ नहीं करता ना, जब तो छेड़ो ना, है ना यार। रोड बड़ी खराब है यार, और कुछ नहीं है। अब बंदे तो बंदे क्या कर सकते हैं भाई, फोटो खिंचा लेंगे क्लाउड एंड में। क्लाउड एंड भी तो इधर ही है। पाजी बोल रहे थे, जो पाजी थे सरदार, वो गए थे बंदर? अच्छा अच्छा अभी ये तीनों जा रहे थे ना मेरे ख्याल उस समय। डर तो नहीं लग रहा है? अब मेरे तो इसमें ब्रेक काम करने बंद हो गए थे। लौंडों से पूछते हैं भाई क्या है? भाई बंदे क्या गए? क्लाउड एंड्स का तो बंद है, बाकी पीछे थोड़ा सा व्यू खुला हुआ है जो मेन क्लाउड। नहीं, भद्राज का बंद है क्या? भद्राज का तो बंद है, क्लाउड एंड से जा रहा है ना रास्ता, वहाँ का वो क्लाउड एंड्स का बंद है रास्ता। यार कोई बोल रहा था कि बंद है यार, जो जा नहीं सकते ऊपर ट्रक पे? नहीं जा सकते। हेलो, क्यों? हम लोग उधर से, वहाँ काम चल रहा है तो रास्ता बंद कर रखा है। पैदल भी नहीं जा सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार कोई बात नहीं, समय इंद कर नहीं रहा बात, मेरा तो मूड खराब ना कर। चल यार देखते हैं पैदल पैदल। क्या काम चल रहा है इधर? अब तो मेरी हिम्मत नहीं है भाई इधर आने की इसके बाद स्कूटी में। क्यों? नहीं, स्कूटी में, बाइक में भी चला के हिम्मत नहीं है भाई मेरी अब यहाँ पे। अबे कार कार तो आ जाएगी, लेकिन मेरे यहाँ लोग ऊपर तो रह रहे होंगे। यार बारिश आई थी यार, आधे से ज्यादा लोग बताते नहीं कि बंद है ना।
कोई नहीं भाई, फोटो खींच के आ जाएंगे। पैदल क्या क्या काम यार, पैदल चल, गाड़ी चलती काम जितना मानते हैं पैदल। पैदल भी नहीं जाने देगा क्या भाई? रोड बड़ी बेकार है भाई। दीपक दिवाकर अग्रवाल प्राइवेट प्रॉपर्टी बताओ, अग्रवाल जी ने ले रखी है भाई। कोई नहीं यार, पैदल ही चले जाएंगे, आगे तो जाने दे नहीं रहे मुझे लग रहा है ना। एक बार फोटो खिंचाएंगे आते हुए। भैया बंद है क्या आगे? भाई जी बंद है क्या आगे? बंद है क्या भद्राज? बंद नहीं है, वो आगे जो फॉरेस्ट है ना भद्राज मंदिर, उस तरह जाएंगे, रास्ता बंद है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जा सकते हैं। फ्रेंड्स वेलकम अगेन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भद्राज तो टेंपल के पास, और यहाँ पे होती है गाड़ियों की पार्किंग। लेकिन ये रास्ता यहाँ पे रोड बन रही है देखिए इस समय, तो अभी हम यहाँ तक आए पैदल, हमने गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी थी। तो अभी यहाँ से एक्चुअली जो मेन है बोल रहे हैं कि यहाँ से 7-7 किलोमीटर है, तो अभी हम अपना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक। ज़्यादा छोटा ही ट्रैक है वैसे तो 7 किलोमीटर, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी टूवर्ड्स भद्राज टेम्पल। तो अभी हम चल रहे हैं देखिए हल्के हल्के, और मौसम देखिए कितना अच्छा है। देखिए आज ना धूप है, और ये देखिए इधर पूरी पहाड़ी है। भाई किधर यार, भद्राज टेम्पल पहाड़ी में या नीचाई पे? मैं तो ये मुझे लगा कि ऊंचाई में होगा। खड़ी खड़ी नहीं चाहिए भाई। तो अपना यहाँ तो ब्लॉग बनता रहेगा हल्के हल्के। कितना हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन। तो अभी हम पहुंच जा रहे हैं भद्राज टेंपल, और अभी हम हैं रास्ते में, और ये है वहां का रास्ता। देखिए आज रास्ता बंद था, तो यहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए बिल्कुल रास्ते में कोई नहीं है, बस मैं हूं और ये मेरा भाई है, हम दोनों जा रहे हैं पैदल पैदल। देखिए और ये देखिए, अगर आप यहाँ पर आपको बिल्डिंगें दिखाई देगी दूर दूर पर, और हम भी चल रहे हैं हल्के हल्के, हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, बस हम चल रहे हैं देखिए हल्के हल्के। और यहाँ पे आज के दिन में बड़ा एडवेंचरस हो रहा है जो भी हो रहा है, और दूर दूर तक देखिए यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बस हम ये जो चल रहे हैं हल्के हल्के। उफ, काली बिल्ली से मुझे डर लगता है भाई। काला कुत्ता काली बिल्ली।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो अभी यहाँ से भद्राज है 4 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है मंदिर की और काफ़ी थक चुके हैं। वैसे अभी तो ढलान थी, लेकिन ये है यहाँ का व्यू। देखिए क्या मस्त व्यू, देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भद्राज। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं अभी हम भद्राज टेम्पल के पास। काफ़ी चढ़ाई है, देखिए काफ़ी ऊंचाई है। तो यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर है यहाँ से, और बिल्कुल खड़ी से चढ़ाई है यहाँ पे। और अगला व्लॉग वीडियो जो बनेगा वो बनेगा जब हम मंदिर पहुँचेंगे। सो आप देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज हवा चलती हुई, देखिए काफ़ी तेज हवा चल रही है। देखिए लोकेशन क्या मस्त लोकेशन है, ये लोगों के खेत। भद्राज टेम्पल के लिए अगर जाना है तो भाई 7 किलोमीटर का जो खड़ी चढ़ाई का ट्रैक तो करना पड़ेगा। क्यों, क्या बोलता है? हाँ, करना पड़ेगा। चलो चलो, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ से भद्राज टेम्पल 3 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए एक दुकान थी, तो मेरे भाई ने पानी वानी कुछ लिया यहाँ से। और यहाँ से इतना चलने के बाद भी अभी 3 किलोमीटर है, हमें लगा के पहुँचने वाले होंगे हम अराउंड 1-2 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर। बट भाई जी ने बताया, अभी दुकान वाले भाई जी से पूछा तो उन्होंने बोला अभी तो भाई 3-3.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई बिल्कुल थक गए हैं, देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं मंदिर, भद्राज मंदिर। तो अभी यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर है और हम बस पहुँचने वाले हैं, और काफ़ी थक चुके हैं। देखते हैं कब तक बस। तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी अराउंड 2.5 किलोमीटर है, और चल चल के हमारी भी पूरी सांस फूल चुकी है। फिर ये रास्ता कह रहे हैं कि उस जो ये रास्ता है कह रहे हैं उस पहाड़ी के पीछे। बस इतनी खड़ी चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद इतना चले तो थक गए। लास्ट केदारनाथ में चले थे, उसके बाद आज ही चल पाए। तो लेट्स सी अभी कितना टाइम और लगेगा पहुंचने में। तो अभी हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, अराउंड यहां से
डेढ़ किलोमीटर है लेकिन ऊंचाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और हम काफ़ी थक गए हैं। देखिए हम कहाँ कहाँ से, ये रास्ता है देखिए, सही रास्ता और इसके पीछे भी एक रास्ता है, वाइट वाइट सा दिख रहा है, यहाँ से है। मैं तो हल्के पे ले रहा था कि भद्रास टेम्पल काफ़ी पास होगा, लेकिन भाई ये जो ऊंचाई ऊंचाई है ना, खड़ी ऊंचाई देखिए, बिल्कुल अभी तो कम हो गई, इससे पहले बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी भाई। ये वाकई में हमको काफ़ी टाइम लग गया और हमारे तितर उड़ गए इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए। हमसे आगे चार लड़के चल रहे थे बड़े फटाफट बड़ी स्पीड में, भाई वो पता नहीं कहाँ रह गए, वो भी पीछे रह गए अभी तो। और अभी भी देखिए लोग आ रहे हैं हल्के। और देखिए हमें क्या मिला है, देखिए पुरास का फूल, ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और अभी भी अराउंड शायद मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर है। हालत ख़राब हो चुकी है पहुँचते, देखिए कैसा होगी, पसीना भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है, बस हालत ख़राब हो चुकी है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं अभी। उफ इस रास्ते से आए हम देखिए, और अभी फिक चढ़ाई है, ये देखिए ये रास्ता है, इसके पीछे वाला रास्ता है और अभी भी खड़ी चढ़ाई है, अभी भी नहीं पहुँचे। ओह माय गॉड, मनीष भाई कैसी हालत? बढ़िया, चलेगा ना अभी और? हाँ, चल लेंगे। अभी 1.5 किलोमीटर और है यहाँ से, साला मैं कब से सोच रहा हूँ कि 1.5 किलोमीटर है 1.5 किलोमीटर है, पिछले आधे घंटे से डेढ़ ही हो रहा है, बताओ बस पहुंचने वाले अब। लग रहा तुझे कि पहुंचने वाले तो फाइनली अभी यहां से 500 मीटर की दूरी पे है, देखिए भाई अगर आप लोग आ रहे हो तो जिसने भाई जिसको थोड़ा चलने का अनुभव हो भाई वही लोग आए, क्योंकि भाई खड़ी बिल्कुल बीच बीच में ऐसी चढ़ाई है, इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। ये देखिए मेरा भाई भी पीछे से आते हुए, ये देखिए ये भी आ रहा है पीछे से। बस ये बोलना चाहूँगा भाई, इतना दूर नहीं है और इतना पास भी नहीं है, लेकिन भाई हमारी हालत ख़राब हो गई, 7 किलोमीटर तो लगा नहीं मुझे, मुझे लगा 9-10 किलोमीटर होगा कम से कम, क्योंकि हम इतने पहाड़ी क्रॉस करके आए हैं। तो चलिए अभी हम मंदिर जस्ट पहुंचने वाले हैं, यहाँ से अराउंड 500 मीटर है, फिर अपना ब्लॉग चालू करेंगे। हम तो सोच रहे थे कि हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, जब देखा तो देखा मंदिर तो भाई अभी और दूर है, मंदिर तो ये है, तो हमारी हालत होगी और ख़राब कि भाई और कितना चलना है। बस फाइनली तो अभी हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, लेकिन जो ये डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, मुझे तो लगा नहीं कि 7 किलोमीटर होगा, क्योंकि चढ़ने में हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, हमने 2-3 पहाड़ी तो पैदल क्रॉस कर लिया और अभी भी हमें पता नहीं इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है।
तो अभी हम यहाँ से कितना 200-300 मीटर होगा ना बस पहुँचने ही वाले हैं। क्या क्लाउड्स कितनी स्पीड में आ रहे हैं यार, है ना, क्या मस्त व्यू है। हम फाइनली अभी हम पहुंच ही गए हैं। वैसे तो ये देखिए, ये है भद्राज टेम्पल से जस्ट अभी हम 100 मीटर दूर हैं और यहाँ पे देखिए पूरे क्लाउड्स आ रहे हैं। देखिए पूरे क्या बढ़िया मौसम है यहाँ पे, और कहीं ऐसा ना हो कि बर्फ बर्फ भी पड़े, क्योंकि यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है काफ़ी हाइट में। तो फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमको जो मंदिर का व्यू मिला, देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, और इसके नीचे थे पूरे पहाड़ और मंदिर। ये मंदिर जो है बिल्कुल टॉप में है और पूरे नीचे क्लाउड्स थे और क्लाउड्स बिल्कुल पास कर रहे थे मंदिर के ऊपर से, जो बहुत ही सुंदर था। पंडित जी, ये मंदिर है किस चीज़ का है? बलराम जी का है मंदिर। अच्छा अच्छा ओके। चलो आ जाओ बच्चों। अबे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, कौन आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं भद्राज टेम्पल और आज थे काफ़ी यहाँ पे क्लाउड्स, और ये है भद्राज टेम्पल का व्यू। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, और ये है देखिए भद्राज टेम्पल। ये देखिए क्लाउड्स बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल चोटी पे है ये भद्राज टेम्पल, और देखिए पूरा नीचे से क्लाउड्स आ रहे हैं, कितना सुंदर व्यू है देखिए। अगर ये आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।